रिसेंटली आई आई थिंक थिंक कोई एक्ट्रेस जिन्होंने सुसाइड कर लिया था सेट पे ही मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कोई भगवान नहीं है जब तक मैं अपना दर्द किसी को बताऊंगी नहीं वो समझेगा नहीं सो so ट्रू क्योंकि सबकी अपने लाइफ में बहुत केयस है तो अगर मुझे जेन्य बहुत ही जरूरत है किसी की तो इट इज माई ड्यूटी कि मैं बोलूं किसी को कि प्लीज आई एम रियली स्ट्रगलिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया बॉयफ्रेंड इशू है या फैमिली इशू है या फाइनेंशियल क्राइसिस है कुछ भी है आई नीड टू स्पीक टू समी टॉक इंपोर्टेंट क्यूँकि बोलने से काफी सारी चीजें हल्की हो जाती है इसलिए कहते हैं मन हल्का करो

सो आई लाइक विविडली रिमेंबर मैं सीनियर के में थी और टी वी माधुरी दीक्षित का डांस चल रहा धक, धक करने लगा आई लुक डेट हवर डांसिंग एंड आई स्ट्रेट अवी वेंट टू माई बेडरूम एंड आई लुक डट माई सेल्फ इन मिररर एंड आई सेड आई वॉन्ट बी एन एक्ट्रेस प्लीज वो माई वर्ड ओके टू माई सेल्फ एंड आई वॉज लाइक आई विल बी एन एक्ट्रेस एंड आई थिंक आफ्टर लाइक I was what, three or four years old. And after like twenty years I got to come to Bombay and, you know, I became an actress. But Agar Usko Bola ki uska madhyam so my mom became the mediator who pushed me to coming to Bombay because wow. she wanted me to pursue dancing and learn few more uh, art styles and forms in dancing. So when wajah se gave Mumbai I or डांसिंग की वजह से मैं एक्टिंग एक्ट्रेस बन गई है सो इतना कम उम्र में पैशन आपको पता लग गया दैट्स वेरी गिफ्टेड यू आई थिंक वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ हम पिछले जन्म से लेके आते हैं अच्छा सो आई आई फील शायद मैं वो पहले से ही लेके आई थी दैट सीड वाज देयर इन मी दैट यू नो आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस एंड दैट्स हाउ इट जस्ट हैपेंड कभी ऐसा हुआ कि उस सीन से कभी डिसकनेक्ट हुए हो एंड फिर वापस उससे कनेक्ट होने का मौका मिला हो जैसे देट वॉज वेरी वेरी यंग यू यूर वैन अबाउट इट बट दे टाइम्स जिंदगी के प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाई ऐसी पचास चीज़ें आती हैं जो इंसान को कई बार प्रायोरिटीज चेंज कर देती है मुझे ना मेरी कजन ने पूछा था कि तुझे बड़े हो कि क्या बनना है एंड दिस वाज व्हेन आई वाज इन लाइक फॉर सो सेकंड स्टैंडर्ड सो so, उसने पूछा तुझे क्या बनना है कि के सर आई वांट टू बी एक्ट्रेस तो उसने कहा छी तुझे हीरोइन बनना है हीरोइन को बहुत बुरे-बुरे काम करने पड़ते हैं किस करना पड़ता है ऑन स्क्रीन तू वो करेगी तो अगेन यू नो दैट वाज एन एज जब हम बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ट्रू तो दिस वाज माय सेकंड थॉट की विल आई बी डूइंग दैट

गेन स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस कि नहीं मुझे बिजनेस में नहीं मुझे अपने पैशन समथिंग रिलेटेड टू आर्ट ही करना है लाइक फॉर इन फॉर एन एग्जांपल मुझे डांस में ही आगे बढ़ना है जैसे आई एम अ कथक uh, विशारद सो uh, wow. so, मुझे डांस कंटिन्यू करना था बट मेरे डैड जो है ही वॉज लाइक यू नो कि तू डांसर बन के क्या करेगी यू नो इफ यू वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन यू नीड टू हैव अ डिग्री एंड यू नीड टू बी लाइक यू नो either bba karna padega ya yes, chartered accountant banna so you need to do that uh, but you know as i said dancing and art was just my calling so i somehow gathered the strength and i told my parents no this is not i don't want to do bms or i don't want to do you know chartered accountancy or anything i just want to pursue Uh, काफ़ी सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो uh, उन्हें पता होता है कि अपना पैशन क्या होता है मगर सही मौके पर वो करेज नहीं दिखा पाते शायद अपने पेरेंट से बात करने का या खुद पर भरोसा करने का इवन आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज गेटिंग अ वेरी गुड पैकेज आफ्टर माई इंजीनियरिंग एंड आई वॉन्टेड टू मेक माई करियर इन कोचिंग राइटिंग बुक्स एंड दिस इज वॉट आई आई वॉन्ट टू डू एंड इट वॉज डिफिकल्ट चोइस इन दैट मोमेंट बट आई लिसन टू माई हार्ट इज यू सेट एंड आई डिड इट सो आई थिंक दिस विल इंस्पायर मैनी गर्ल्स दैट यू शुड नॉट लूज यूर पैशन यू है डिसीजन लिया आपने कि अब आप मुझे इसी में ही आगे बढ़ना है और हम बात भी कर रहे थे दैट योर मदर सपोर्टेड यू यू कैम टू मुंबई नाउ अकेले मुंबई में और सर्वाइव करना और वो जो स्ट्रगल करना तो हाउ यू कैपर सेल्फ मोटिवेटेड इन इन टाइम यू नो स्टार्टिंग में तो एज uh, अड के मुझे मैं डांसिंग कर रही थी उसके बाद बिकॉज माई फर्स्ट शो वॉज डांस रिलेटेड तो मुझे फर्स्ट शो भी

उस टाइम पे भी अगैन यू नो पैसे तो इतने होते नहीं थे तो ऑल दो लोगों को लगता है कि आप टीवी पे आ गए हो मतलब आप ऐश <laughs> पैसे, पैसे की बारिश हो रही बट ऐसा नहीं होता है तभी भी मैं लोकल्स में ट्रैवल करती थी यू you नो know, तभी भी मैं ऑटोज में ट्रैवल करती थी सो so वो तो रहता ही है जो बॉम्बे जो आपको सिखाती है कि आपको लोकल में ट्रैवल करना है बस में ट्रैवल करना है तो मैंने इनफैक्ट फैक्ट डूइंग माई फर्स्ट शो भी मैंने uh, वैसे ही मैंने ट्रैवल किया है इनफैक्ट माय माई सेकेंड शो ऑल्सो आई यूज टू वेरी रेयरली आई आई कुड अफोर्ड कैब्स आई कुड मेनली ट्रैवल बाय ऑटोज यू नो एंड दैट टू बिकॉज आई आई कुड स्टे क्लोज बाय माई डिस्टेंस वॉज इन दैट फार फ्रॉम माई वर्क प्लेस सो हाँ डेफिनेटली स्ट्रगल तो रहता है, तो ही है बट जब भी आप अपने मन का कुछ करते हैं तो आप स्ट्रगल्स को पीछे छोड़ देते हैं और आप हंसते हंसते काम करते हैं और ज जिस शिद्दत के साथ आप काम करते हैं वो ऑडियंस तक पहुंचता है वो मेरे प्रोड्यूसर्स तक पहुंचा जिस वजह से मुझे और भी लोगों ने काम दिया जिस वजह से अब भी मुझे लोग सराहते हैं और मुझे बोलते हैं कि काम करना है नियति के साथ काम करना है कोई स्ट्रेस नहीं है so that, you know, तो आई फील दैट यू नो दैट एटीट्यूड ऑफ कीप ऑन गोइंग एंड देन अगेन पेरेंट्स का सपोर्ट तो

आज भी मुझे मेरे ड्राइवर लेके आए बट देर आर टाइम्स जब वेन आई फील ओश हो नहीं रहा है थोड़ा कुछ नो दिस इज नॉट वेर आई वॉन्ट टू गो आई स्टिल हैव हाईअ्स टू गो यू नो कहाँ मैं अटक रही हूँ तो अभी भी शायद स्ट्रगल है पर अभी वो मेरी स्ट्रगल मेरी कार में है अगर वो शायद मर्सिडीज नहीं है तो वो मेरी छोटी कार में है right. But, that's what I'm saying, you know, कोई फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई दूसरा बंदा भी स्ट्रगल कर रहा होगा उसके इंटरनल टर्म बहुत होंगे उसको यू नो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत होंगे वो हमें दिखा नहीं रहा है जैसे हम सोशल मीडिया पे मैं तो काफी कुछ नहीं डालती हूँ यू नो मेरी जो पर्सनल इनसिक्योरिटीज होती है या कॉम्पलिकेशन होती है वो like you know, कोई भी नहीं डालता हाँ, बहुत कुछ कुछ होंगे exactly, तो बाकी सो so, बात वही है कि हर स्ट्रगल हर कोई कर रहा है कोई ऑटो में कर रहा है तो कोई कार में कर रहा है या कोई यू नो स्ट्रगल पार्ट इज देयर बट इट्स जस्ट दैट दैट इफ यू एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग इट्स फन इट्स वर्थ इट अल्टीमेटली राइट सो जब शुरुआती दिन रहते हैं तो कुछ रिजेक्शनस भी मिले होंगे राइट आज मैं देखता हूं इस इंडस्ट्री में काफी मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो आज अच्छे लेवल पे हैं जिन्होंने एक स्ट्रगल देखा तो उन उस मोमेंट में जब आप रिजेक्शनस मिलते हैं और कई बार रिजेक्शनस बैक टू बैक मिल रहे होते हैं लगातार मिल रहे होते हैं उस समय में हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ इफ आई रिकलेक्ट सम ऑफ द इंसिडेंट्स जब यू you नो know, मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती थी और अगेन इनिशियल टाइम में हम इतने सुलझे हुए भी नहीं होते हैं तो उस टाइम पे डेफिनेटली uh, हमें लग, मुझे तो बहुत लगता था कि क्यों काम नहीं कर रहा है अभी अगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है फिर से बंद हो गया है या यू you नो know, अभी बोल रहे हैं कि और शॉर्ट लिस्टेड है सो यू नो मैं तो बहुत ही uh, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी बट uh, मैं ऑडिशन और भी देती थी इट वॉज नॉट दैट मैं एक ही जगह पे सल्क करने लगती थी राइट बट हैविंग सेट दैट अब मैं अगर पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है जो भी हुआ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरे नसीब में जो जो प्रोजेक्ट्स आए उन रिजेक्शन्स के बाद वो अपने आप में बहुत ही कमाल प्रोजेक्ट्स थे और बहुत ही कमाल कैरेक्टर्स थे तो जिस वजह से मुझे अगेन मेरी एक डांस टीचर ने बहुत ही बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा था कि हर मंच पे एक आर्टिस्ट का डांस करना लिखा हुआ होता है एक मंच है वो एक आर्टिस्ट को चुनता है तो आई कुड लाइक ईजीली कनेक्ट कि हर एक किरदार एक एक्टर को चुनता है

कनेक्ट द डॉट करते हैं तो आप जब फ्यूचर से पास देखते हैं तो ही वो डॉट्स कनेक्ट होती हैं उस टाइम पे कई बार हमें लग रहा होता है कि ये क्यों हो गया मेरे साथ में ऐसा मेरे साथ में गलत हो गया ये नहीं होना चाहिए था मैनी पीपल दे गो इन टू दी पेंस सेकेंडरी पेंस आर लाइक कि मेरे साथ क्यों हुआ क्या मेरा कोई पुराना ऑप्शन yes, हैं दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगते हैं गिव अप करने लगते हैं स्पिरिट जाती है विश्वास खो जाता है सो so, मुझे एक इस पे स्टोरी याद आ रही है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो एक बार अकबर और बीरबल थे तो वो कहीं जंगल में शिकार करने के लिए गए तो शिकार करते वक्त ऐसा हुआ कि उनकी उंगली पे कट लग गया अकबर की उंगली जो थी वो उस पर कट लग गया okay. तो बीरबल का ये मानना था कि जो होता है अच्छे के लिए तब, होता है तो हमेशा वो ये कहते थे जो होता है अच्छे, अच्छे के, लिए के लिए होता, होता, है।, होता है तो इधर अकबर का कट लग गया उंगली पे घाव आ गया और बीरबल कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है तो अकबर बड़ा ऑफेंड हो गया और उसने कहा कि मेरी चोट का मजाक बनाता है तो जैसे ही वापस आए महल में आते ही सैनिकों को बोला इस बीरबल को पकड़ो और जेल जे में डाल दो और जेल में डलवा के बोलता है जो होता है बीरबल अच्छे के लिए होता है अब तो अंदर बैठ अब हाँ। कुछ दिनों बाद वो शिकार पे वापस गए अब जब वो शिकार पे गए थे तो अपने सैनिकों से थोड़ा सा भटक गए बिछड़ गए उनसे और आगे किसी ट्राइबल में चले गए अब ट्राइबल में ऐसा नियम था कि बलि चढ़ती थी ह्यूमंस की बलि चढ़ाते थे yes. तो उन्होंने अकबर को पकड़ लिया और अब उसकी बलि चढ़ाने लगे तो अब जैसे ही उसकी गर्दन काट रहे थे उंगली कटी हुई दिख गई तो वहाँ का रूल ये था कि अगर उंगली खंडित है कोई भी व्यक्ति अगर खंडित है तो उसकी बलि नहीं चढ़ सकती तो वो खंडित था तो बलि नहीं चढ़ सकती उन्होंने छोड़ दिया तो भागा भागा आया अकबर कि यार ये तो बीरबल ने कहा था वो सच हो गया करेक्ट करेक्ट तो तुरंत बीरबल को बुलवाया माफी मांगी मुझे माफ करो तुमने सही कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है प्लीज फर्गी उमी तो बीरबल कहता है कि नहीं माफी मत मांगो आपने जो मुझे होता बचा दिया <laughs> कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है oh. क्योंकि अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ में आप तो बच जाते थे बलि मेरी, मेरी सो इट इज़ सो टफी बिकॉज मैनी टाइम्स हम बाद में ही रियलाइज करते हैं सो so उन दोज मोमेंट में एक फेथ रखना जैसे आपने रखा आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम वो फेथ रखें ना आज एज एन एक्ट्रेस एज ए सेलिब्रिटी जब आप अपना जीवन जीते हो लगातार लोगों की नजर रहती है आज कल तो पापराजी का इतना कंसेप्ट है कि हर जगह लोग कैमरा लेकर के पहुँचते हैं सो हाउ डू यू डील विद डैट क्या ये आपको कभी मेंटली इमोशनली टायरिंग लगता है कि अगर लोग ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में पीप करने लगे तो नहीं ऐसा मुझे ऑनेस्टली टायरिंग नहीं लगता है बस ये टायरिंग लगता है कि मुझे ड्रेसअप करके जाना पड़ता है एंड आई एम अ वेरी लाइक यू नो अ वेरी कैंडिड पर्सन इन अ वे दैट यू नो आई अवॉइड मेकअप एज मच एज पॉसिबल यू नो बट द प्रोफेशन वी आर इन हम हर वक्त You know, हाँ, हाँ। so, you know, uh, जैसे मैं, मैंने कहा मैं बहुत ही कैंडेड पर्सन हूँ मेरे पास न कुछ छुपाने के लिए ज्यादा है और जो बताने के लिए मैं वैसे ही बता देती हूँ अगर okay. हाँ तो मुझे उस एट द मोमेंट तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ में जागने की कोशिश कर रहा है या मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत है इन फ्यूचर आई नो बट फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो जब इतना कोई हैक्टिक शूट्स रहता है कई बार आप लोगों के टाइमिंग्स इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं शूट्स के ऑलमोस्ट आवर्स टू आवर्स शूट करना पड़ता है और तो ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ को मैनेज करने के लिए वट डू यू डू कुछ प्रैक्टिस हैं जो आप करते हो प्रैक्टिस तो डेफिनेटली है लाइक थैंक्स टू माई मॉम अगेन उन्होंने शी दिस हैबिट ऑफ सो जब भी मैं यू you नो know, अगर शूट पे हूँ और मुझे एक दो घंटे का ब्रेक uh, है बीच में तो आई प्रेफर जस्ट सिटिंग साइलेंटली फॉर ट्वेंटी मिनट्स और जब भी हम घर पे होते हैं यू you नो know, तो वी हैव दिस रिचुअल ऑफ ऑफ डूइंग कलेक्टिव मेडिटेशन वी जस्ट सिट ऑल अस टुगेदर including my cat she also understands <laughs> the vibration of that place and she just sits कहीं भी होगी वो आ जाएगी उस टाइम पे बैठने के लिए and for 20 30 minutes we just sit and we meditate जैसा आपने वाइब्रेशन की बात की तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं रीड अबाउट देम डू यू बिलीव इन देम इज इट वर्किंग इन योर लाइफ आई बिलीव इन देम और वर्किंग तो as i said जब मैंने वो बताया था आपको कि मैंने सीनियर के जी में ही बोल दिया था दैट यू नो आई वॉन्ट टू बी एन एक्ट्रेस तो आई थिंक उस मोमेंट में इतनी सच्चाई होगी कि कहते हैं ना वो शाहरुख खान ने बहुत ही बहुत ही सुंदरता से कहा है कि शिद्दत से चाहो तो कायना जुड़ जाती है तो आई थिंक उस मोमेंट में मेरी जो वर्ड में इतना स्ट्रेंथ था या और बोलूंगी नो no पोल्यूशन था दूसरे और कोई विचार नहीं थे बिकॉज़ आई वेरी वेरी टेंडर टेंडर ऑफ टाइम राइट वो कंप्लीट कुछ भी ऐसा निगेशन था ही नहीं आई हैड कम्पलीट बिलीव टू बी एन एक्ट्रेस एंड इट जस्ट मैनिफेस्टेड एंड नाउ अगेन दैट गिवन मी स्ट्रेंथ टू बी Saying ill things. अगर थोड़ा doubt होता है तो वो वो भी मन में रखो No need to utter it from your mouth. And which is what I practice. Even if I talk about anyone else also. अगर मुझे किसी की बात भी करनी है किसी और तीस, किसी दूसरे या तीसरे बंदे की बात करनी है I make sure श्योर कि मैं अपना ओपिनियन जो है वो जिस जिसके साथ बात कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस बंदे के बारे में आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपना ओपिनियन उस बंदे के बारे में आपको आपके ऊपर नहीं

i was shooting for an episode <laughs> and you, you will not believe i to usko offeraya i was in two minds you know um, i should just say no to the offer you know i should just usko or something like that but then i realized when i was just reading my note i prayed that that i want to shoot in november and the universe is giving it to me as a gift why would I just say say no to it, you know? And it's it's nothing bad. free, You know, and I'm doing something very different that I've never done earlier. So it's a win-win for me. So, you know, yeah. That, the other example, I I was just I was just describing this to my sister. Okay, this is what just happened, you know? And she was also like

बाउंस बैक किया वो टाइम डेफिनेटली मेरे लिए तो पर्सनली बहुत ही खराब था पर्सनली नहीं बट ओवरऑल वर्ल्ड में सब के लिए ही बहुत ही खराब था मेरे लिए इन द सेंस खराब इसलिए था नॉट दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम कोरोना और एनीथिंग बट आई वाज इंटरनली वेरी लो मुझे बहुत ही लो फीलिंग हो रही थी एंड तभी मेरा जस्ट सुपर हिट शो नज़र खत्म हुआ था तो इन माई हेड आई वाज़ थिंकिंग कि मुझे तो आसानी से अभी काम मिल जाएगा यू you नो know? मैंने इतना हिट शो दिया है बट मैं जो भी कर रही थी कहीं पे बजट नहीं फिट हो रहा था कहीं पे आ, कुछ ड्यूरेशन नहीं वर्कआउट हो रहा था कहीं वेब उस टाइम पे वेब बहुत चल रहा था वेब बहुत चल yes, रहा था तो मुझे वेब के लिए ऑडिशन के लिए बुलाते थे तो ऑडिशन हो गया बहुत अच्छा ऑडिशन लगा But they would say, "Yeah, you're too pretty for the role." <laughs> Can you imagine? <laughs> they would they would tell me, "You're too pretty for the role, so you know you couldn't, you don't fit the character." But yeah, a lot of things were just not working. But what I kept doing was that I kept myself busy with dancing. I kept myself busy with meditation, and you know, joby joby, you know. Uh, I could do to improve my face and you know to कहते ना जो आपके मन को स्ट्रोंग जो बनाता है मैं वो हर वो चीज़ कर रही थी um, चाहे आप जब बोलो चाहे आप चैंटिंग बोलो चाहे आप uh, जैसे मैंने कहा मेडिटेशन तो करते ही थे तो डांसिंग हो गया सिंगिंग हो गया मैं वो हर चीज़ कर रही थी जो इंटरनली मुझे लग रहा था कि मुझे स्ट्रांग बना रही है तो विच इज़ वॉट कैप वी गोइंग एंड अगेन यू नो हैविंग फेथ कि टाइम है निकल जाएगा अच्छा भी टाइम निकलता है बुरा भी टाइम निकलता है सो so, हाँ ऐसे उस टाइम पे मैं इंस्टा पे भी बहुत सारे कोट्स शेयर भी करती थी कि जब भी अंधेरा घना होता है तभी अगले दिन जो सुबह होती है वो बहुत मतलब सुबह बहुत जल्दी होने वाली होती है तभी अंधेरा घना होता है मतलब इंस्टा पे और वो तो मैं खुद के लिए भी बेसिकली यू नो खुद को भी मोटिवेट करने के लिए आ, हमेशा अपने पास रखती थी आ, उन्हें रीड करती थी सर so, अभी आपके लिए सफलता का क्या मीनिंग है हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ आई थिंक सक्सेस इज समथिंग फॉर मी पर्सनली बिकॉज आई एम अ वेरी फैमिली ओरियंटेड पर्सन मुझे लगता है कि सक्सेस वो सक्सेस हो जो मेरे फैमिली भी उसका आनंद उठा सके सिर्फ नहीं मुझे अकेले खुशी uh, कहते ना जब सब मिल के हंसते हैं वो खुशी दुगनी हो जाती है सिर्फ अकेले अकेले हंस के क्या करेंगे सो आई आई फील सक्सेस फॉर मी

Not necessary, कि आप अचानक से ऊपर गए तो आपका गिरने का भी चांस बहुत ज्यादा है right. तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेहनत की हुई जो सक्सेस होती है वो हमेशा से लॉन्ग लास्टिंग समय तक रहती है।, है हाँ तो फॉर मी आई थिंक इट्स दैट राइट नाउ सो आप क्या देखते हैं कि इंडस्ट्री में बींग गर्ल ज्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं ऐसा होता है

You know, also मुझे लगता है लकीली आई वर्क विद पीपल प्रोग्रेसिव इन दॉ प्रोसेस कोई भी ऐसा नहीं था रिग्रेसिव माइंड सेट से काम नहीं कर रहा था मेरे कितने सारे प्रोड्यूसर्स है वो फीमेल प्रोड्यूसर्स है प्रोडक्शन तो आप पूरा जो सेटअप है माइंड सेट है वो ही अलग हो जाता है ओवरऑल आपके जो वर्क एनवायरमेंट है बड़ा हेक्टिक रहता है सो so, क्या इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ को लेकर के कुछ सपोर्ट सिस्टम होता है दैट इफ समबडी सपोज कि आपने आप पढ़ते भी हैं और आप सोटेड हैं आप मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन सो समहा यू आर इक्विप्ड आपके पास में टूल्स और समझ है कि काम का स्ट्रेस या कुछ इमोशनल इश्यूज हो तो उन्हें कैसे डील करें बट देर आर मेनी पीपल हु आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल स्ट्रेस एंड इमोशनल issues जैसा हम देखते हैं कि रिसेंटली आई थिंक कोई एक्ट्रेस थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया था आई थिंक सेट पे ही सुसाइड किया था इस तरीके के cases, क्या सिस्टम आप देखते हैं कि आप लोगों के आस पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है जहाँ पे मेंटल हेल्थ की या बर्न आउट की एक्सोशन की इन सबका ख्याल रखा जाता है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कोई भगवान नहीं है कि जब तक मैं अपना दर्द किसी को बताऊंगी नहीं वो समझेगा नहीं so क्योंकि सबके अपने लाइफ में बहुत के है और सब अपना जो एटलीस्ट जो शूटिंग करते हैं हम जब तो हमारा के हम हमारे मेकअप रूम में छोड़ के आते हैं सेट पे हम एक प्रोफेशनल एक्टर हैं और हम प्रोफेशनली काम करते हैं बहुत ही कम ऐसा होता है फॉर एन एग्जाम्पल अगर एक दो साल हो गए उस शो में जहाँ पे हम सब बहुत ही एक फैमिली जैसे रहते हैं तभी पॉसिबल है कि कोई एक्टर या को एक्टर एक दूसरे को देख के बोलेगा तू आज ठीक नहीं लग रही है तेरे में कुछ तो चेंजेस है तू तो हंस कम रही है तू तो रोज ज़्यादा रही है समथिंग लाइक दैट वॉट्स नॉट वर्किंग बहुत ही कम होगा और मूवीज में और वेब शोज में तो और भी कम होगा क्योंकि मूवीज़ एंड वेब शोज का जो ड्यूरेशन होता है शूटिंग का वो एक महीना या दो महीना मैक्स होता है और बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स होते हैं जो साल साल तक चलते हैं पर उसकी भी शूटिंग कंटिन्यूसली नहीं रहती है सो आई थिंक वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि गेज करना स्पेशली हम जो लोग हैं एक्टर्स हैं हमें वो सिखाया हुआ मतलब तो तो बहुत ही एक गार्ड करना जो पर्सनल प्रॉब्लम का जो मास्क है वो उसे गार्ड करके रखना वो हमें आता है हम इनफैक्ट सबको आता है अनटिल एंडलेस कोई अटेंशन बहुत ही पाना चाहता है तो वो हर छोटी मोटी इश्यूज uh, को सामने रख देगा बट वैसे जनरली कोई बताता नहीं है तो अगर मुझे जेन्यनली बहुत ही ज़रूरत है किसी की तो इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं बोलूँ किसी को कि प्लीज़ आई एम रियली स्ट्रगलिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया बॉयफ्रेंड इशू है या family issue, I have financial crisis, I could be hai, I need to speak to somebody. So true. Like I am surrounded by my parents and my sister. And there are times, even today, when you know I feel like I'm feeling so low and tired. I feel like you know nothing is working. I'm feeling like just I don't know what I'm feeling. But I'm certainly not feeling upspirited. So I talk to my sister आपको किसी डॉक्टर के पास ही जाना है उसके लिए यू जस्ट नीड टू टॉक एंड आई फील उस हिसाब से पेरेंट्स को फैमिली को भी बहुत ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि अगर कोई खुल के बात कर रहा है तो निगलैक्ट ना करे करेंट कुछ नहीं है करेक्ट करेक्ट उसे एटलीस्ट एक्नोलेज करना कि ठीक है अगर हम सोल्यूशन नहीं दे सकते बट वी विल योर यू वी विल टू यू क्योंकि बोलने से काफी सारी चीजें हल्की हो जाती है इसलिए कहते हैं मन हल्का करो अगर आपको रोना है तो आप रो लो तो हाँ जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक तो कोई भी हमें हमारी हेल्प नहीं करेगा भगवान भी कहता है यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ ओनली देन आई विल हेल्प यू यस सो that's that's why I think that's why we have we are humans and we have the intellect to use it, not to just feel helpless, no thorah helpless feel helpless. but then again we we are humans, we have this fighting spirit also, and we have to learn to get up Then we will be stronger only in the hardest times we a true character is revealed, so I think a lot of it comes again from you know.

uh do you feel constrained sometime that your freedom to live somehow has been constrained. no 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 luckily all my characters na, except for uh, first two three shows my last uh, two three shows made my characters have been like you know a faulty heroine sati savitri many pehni <laughs> वेरी टुडे uh, आज की लड़कियां और यू you नो know, जो गलत डिसीशन लेती है जो, okay. uh, जो अपने के लिए कुछ करने के लिए किसी के साथ कुछ गलत कर देती है अच्छा. तो मैंने <laughs> वैसे फॉल्टी <laughs> कैरेक्टर्स प्ले किए हैं है वेरी ग्रे तो हाँ, और लाइफ भी वैसी ही रहती है कोई हमेशा सफेद या काला नहीं होता है तो I've been very lucky like that. ऐसा कभी हुआ कि जैसे आप कैरेक्टर प्ले करते करते उस कैरेक्टर का कुछ पार्ट अपने अंदर रह जाए मैंने एक बार आ, आई थिंक रणवीर सिंह को बात करते हुए देखा था कि वो जब खिलजी जब किया था और इवन नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब आ, कौन सी हराम खोर शायद उसने की थी या कोई तो भी एक पिक्चर की थी जिसके बाद इवन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि बड़ा कई बार उसमें से आप घुस तो जाते हो पूरा लेकिन फिर उसमें से कई बार उसके कुछ हिस्से आपके साथ आपके घर भी आ जाते हैं ऐसा कभी हुआ है वो सही है एक्चुअली मेरे साथ तो ज़्यादा होता है ऐसा क्योंकि हम लोग सेट पे ऑलमोस्ट तेरह घंटे शूट करते हैं तो उस कैरेक्टर में उस गेटअप में उसके ख्याल उसके उसके बोलने का तरीका हमें इतना अंदर घुस जाता है कि एटलीस्ट फॉर द टाइम वी आर शूटिंग उसमें से हम इजिली कट ऑफ नहीं कर पाते मेरा जो इससे लास्ट टू लास्ट शो था जिसमें आई वॉज़ प्लेइंग पंजाबी गर्ल ढाबा रनिंग गर्ल तो उसमें आ, उस उस कैरेक्टर की जो थाट प्रोसेस थी वो वैसे काफ़ी हद तक मेरे साथ मिलती जुलती है आ, उसका एक ये कहना था कि अपने मन की हो तो वधिया अपने मन की ना हो तो और भी वधिया तो Uh, और वो भी काफी फैमिली से प्यार करने वाली लड़की थी uh, पर अगेन उस कैरेक्टर के लिए मुझे बहुत ही पंजाबी सीखनी पड़ी थी तो तो वो 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 कैरेक्टर में करते समय भी निकलती हाँ, फिर बन जाओ एग्जैक्टली अभी भी कई बार यू you नो know, मेरे मुझ, मेरे मुंह से निकल जाती है पंजाबी और अ uh, मेरे पेरेंट्स को लगता है कि ये जानबूझ के बोल रही है बट नहीं वो ऐसा नहीं होता है वो एक्चुअली निकल जाती है पंजाबी कोई ऐसा हुआ कुछ किसी कैरेक्टर से कोई अच्छी आदत आपके अंदर आ गई हो कोई 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 अ गुड हैबिट दैट यू टूक फ्रॉम योर कैरेक्टर जो रह गई हो साथ में ऐसा कुछ हुआ या फिर कोई बैड हैबिट रह गई हो बैड <laughs> हैबिट तो ऐसा कुछ यू नो सीरियल में ज्यादा बैड हैबिट पे फोकस भी नहीं करते अच्छा <laughs> But हाँ uh, actually again गिन्नी only आई वुड से उसमें हम खाना इतना बनाते थे ना तो अभी मेरा मेरा भी जो खाना बनाना जो है ना वो अच्छा हो गया है Like चे. you know, cutting vegetables. I've become like a very <laughs> pro at it. Honestly, if you ask me to cut, slice onions, you know, as a chote chote wale, I can slice onions, <laughs> chote chote wale. So I think my cooking after that show has become like really nice. <laughs> Oh, that's a good advantage. Yeah, very good advantage. So, what is your vision for future? I certainly want to uh, do international movies, but I also want to make my country proud. I I don't know what I will be doing, but I certainly I certainly want to do something that makes my nation proud. Wow! I'm I'm sure uh, if God has. मेरे हाथ से क्या होगा बट आई है जब आप जैसे कोई रोल डिसाइड करते हो देखिए कोई स्क्रिप्ट आप देखते हो तो क्या दिमाग में कुछ क्या चीज़ें चलती हैं कि क्या उस रोल में कुछ पॉजिटिव होगा तो ही आप करेंगे या फिर इट्स एक्टिंग इट्स प्रोफेशन कुछ भी होगा तो यू विल डू कितना रोल आपके खुद के एथिक्स और जो आपके खुद की मोरालिटी रहती है वो स्क्रिप्ट सिलेक्शन में कितना रोल अदा करती है डू यू फील दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ वेल बिकॉज जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो और लोग आपको फॉलो करते हैं तो मैनी टाइम्स ऐसे भी लोग होते हैं जो उस कैरेक्टर से इन्फ्लुंस हो जाते हैं राइट सो रिसेंटली जैसे एनिमल मूवी पे बड़ा डिबेट चला राइट right कि ये आ, किसी को पसंद आई किसी को ना पसंद आई जो सिर्फ आर्ट क्रिएटिविटी में देख रहे हैं उन्हें बड़ा पसंद आ गई मूवी राइट मगर कुछ लोग जो इसे उन लोगों के हिसाब से देख रहे हैं कि समाज पे एक बैड इन्फ्लुएंस हो सकता है जो वीक माइंडेड है उस, जो इंटेलेक्चुअली इतना इवॉल्व नहीं है राइट कि जो उस कैरेक्टर को पकड़ ले और वही डोमिनेंस और उन सब चीज़ों का बिहेवियर करने लगे क्या कभी यह चीज़ दिमाग में रहती है कि बींग एन एक्टर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है

तो फिर मैं कह सकती हूँ कि मैं आपके विजन से सहमत नहीं हूँ और मैं स्टेप बैक कर लूँगी बट फॉर मी पर्सनली वट आई से इज कि एज एन एक्टर इफ आई फील द कैरेक्टर इज मीटी एंड एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम और जो लोगों की लोगों को डिबेट करने पर मजबूर कर रहा है तो आई विल डू दैट क्योंकि उसी बहाने जब जैसे एनिमल का बोल रहे हैं तो हाँ बिकॉज ऑफ लोगों की क्रिएटिविटी तो उन्होंने दिखाई है बट उस क्रिएटिविटी की वजह से काफी लोग डिस्कशन भी तो कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है डिबेट exactly, आज से पहले हमने जो भी मेल डोमिनेटिंग मूवीज देखी है उसमें अगर लड़का लड़की को थप्पड़ मारता था तो, तो लोग तालियां मारते थे पर अभी वो टाइम आ गया है कि नहीं अभी डिबेट हो रही है तो इट इज अ प्लस अ बेटर साइन राइट का right. सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छा ही दिखाओ आर्ट discussion हो डिबेट हो समाज में कुछ बदलाव हो वो भी आर्ट की responsibility है Beautifully said. That, that's really good. So, spirituality का आप कितना रोल देखते हैं अपनी लाइफ में डू यू थिंक यूर एंड डू यू थिंक स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ को ज्यादा कर देती है ऑफ कोर्स यस आई थिंक मैं मैं ये मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी अगर आप बोलें तो इट्स अ मैक्रो ऑल्सो एंड इट्स अ माइक्रो ऑल्सो आप जब सुबह उठते हैं तब से आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं सुबह उठती हूँ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड की थैंक गॉड गॉड हैज गिवन मी टुडे एंड माय आईज आर हेल्दी टू सी द सनराइज माय एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ विल जस्ट चेंज राइट यू नो अगर इफ आई हैव माय फीट आर फाइन माय लेग्स आर फाइन दैट आई कैन स्टैंड यस माय एवरी स्टेप आई टेक विल बी यू नो आई विल बी ग्रेटफुल टू गॉड सो आई थिंक

वेयर इज दोज आर नॉट एज सक्सेसफुल दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट देयर लाइफ ऑलवेज ब्लेमिंग समबडी नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्लेमिंग द इंडस्ट्री मे बी ब्लेमिंग अदर पीपल ब्लेमिंग सिचुएशन सम पीपल ब्लेमिंग देयर पेरेंट्स बट दे दे इग्नोर देयर ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं अपनी ब्लैसिंग्स को इग्नोर कम्प्लीटली कर देते हैं सो so, कुछ प्रैक्टिसेस भी करते हैं आप फॉर स्पिरिचुअलिटी बीच में आप कुछ जप या मंत्र की बात कर रहे थे हाँ तो एज ए सेड यू नो इट इट इन के मुझे किसी ने बोला था या ऐसे ही अपने मन से ही हनुमान चालीसा गा ली या यू you नो know, मेरा अभी कभी ये है दैट यू नो मैं जब भी कार में होती हूँ पहला जो सॉन्ग बजता है वो हनुमान चालीसा होती है सो so, uh, चाहे अगर फोन में हो या कहीं भी मैं पहले हनुमान चालीसा सुनती हूँ उसके बाद और गाने सुनने हो या भजन सुनने हो वैसा है सो so, uh, या ओम नमः शिवाय का जप कर लिया या यू you नो know, गायत्री मंत्र का जप कर लिया सो नॉट फिक्स या मुझे किसी ने बोला नहीं है बट यू नो आई एम लाइक रैदर देन थिंकिंग समिंग टूप जिस बेटर टू यू नो चाइल्ड गॉड्स ने मैन यू नो

पत्थर में भगवान है नहीं मानते तो मूर्ति भी है वो भी पत्थर है सो so, मानो तो गंगा नहीं हाँ, तो गंगा नहीं बहता बहता पानी बैता पानी ट्रू ब्यूटीफुल नाउ बिफोर वी मूव टू 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 द रैपिड फायर अपनी पूरी अभी तक की जर्नी से एनी थ्री यू गिव पीपल Yes, that's important. How, mm. however you are, like, you know and the way you are. Uh Malab a lot of body shaming and stuff like that, you know. Whatever it is, if you accept yourself and if you are confident in your skin, the pers the other person, the audience will love you for that. And thirdly, I would say have faith in the universe. Uh, yeah. <laughs> That's my mantra. I feel it. Have universe. Beautiful, beautiful. So now we'll move to the rapid fire. Rapid fire Get yeah. ready. <laughs> Kathak Kathak. western dance Meditation Peace. अपनेट्स से सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा की कैसे हर समय में अपने फैमिली के साथ खड़े होना टू what. Unconditional support Unconditional support. होने ने आपकी एक्टिंग को कैसे influence किया? उसकी वजह से uh, expressions, you know, expressions and, uh, भाव के के बारे में काफी पता चलता है है? तो लंबे दिन के बाद करने का आपका तरीका क्या uh, आप uh, किस एक्टर या एक्ट्रेस की डांस स्किल को सबसे ज्यादा एडमायर करते हैं अगेन एक्ट्रेस तो आई द हार्ट डांसर सबको उनसे है तो वो तो नंबर वन एक्चुअली हाँ। मुझे मतलब काफी है एक्टर्स जो अच्छा डांस करते हैं रितिक रोशन तो है definitely, then, is there, then, आ, आ, इशान सो, शाहिद कपूर सो, बहुत सारे हैं जो बहुत अच्छा डांस कर पहले लेके नाम आया है <laughs> आप अपनी लाइफ में ट्रेडिशनल और मॉडर्न आर्ट फॉर्म्स को कैसे बैलेंस करते हैं

Uh, कौन से म्यूजिशंस आपका मूड तुरंत अपलिफ्ट कर देते हैं आई थिंक मैं जब भी भी लता मंगेशकर जी के सॉन्ग्स मोहम्मद रफी जी के सॉन्ग्स या आर डी बर्मन का म्यूजिक सुनती हूँ wow. तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा और अगेन अभी एक सिंगर अभी इंडिया इंडियन आइडल में एक सिंगर है मेनू का

बट ये मेनू का जिनका नाम मैं कह रही हूँ वो मोस्टली ऐसे ओल्ड सॉन्ग्स गाते हैं तो बहुत ही सोलफुल वो आपका किस डायरेक्टर के साथ काम करने का सपना है आ, मुझे संजय लीला बंसाली के साथ काम करना है साथ काम करना है फिर मुझे, फिर, फिर मुझे देवाशीष मखीजा के साथ भी काम करना है आ, हाँ तो, या। Our final, these three are there. Final one message that you want to give to our audience. Well, I would only say that, you know, believe and have faith in what is not manifested yet. You have the power to manifest your own future, and you have the power to work hard, focus, negate all the negativity that the world throws on you but have faith in one Supreme God.